सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मनपसंद शो क्रेजी फोर में भाई, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, शादियों का जो उरूज है वो बिल्कुल जोरों शोर से चल रहा है। इसीलिए मुझे भी थोड़ी बहुत चीजें जो यहाँ पसंद आ रही हैं, मैं भी परचेज करने लगी हूँ। लेकिन परचेजिंग से पहले आपको मैं सेगमेंट नंबर 2 जरा बताती हुई चलूं। हमारे एक कैरेक्टर रोक रहे हैं रिक्शा, और वो रिक्शा जब रोक लेते हैं तो बैठ जाते हैं रिक्शे में। इसी बीच जो हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं, वो ना जाने रिक्शे वाले को आकर ऐसा क्या कह जाते हैं जिससे रिक्शे वाला बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाता है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो परेशानी के आलम में क्या करने वाला है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो जाकर ही पता चलेगा। लेट गेट स्टार्ट सेगमेंट नंबर 2। गुलशन इकबाल आ जाए सर, आ जाए। क्या लेंगे? 180 रुपया। सही ले ले, 150 रुपये ले लो। 150 रुपये लियाकताबाद जगह 10 नंबर पे कबाड़िया मार्केट। क्या लेंगे? 300 रुपये। 300 रुपये चल। भाई मैं गुलशन इकबाल से आ रहा हूँ भी, मैं आकर गुलशन इकबाल से आ रही हूँ तो मैं भी साथ चलती ना। तो मैं आना जाना करना है, बस मैं आ रहा हूँ ना। मैं भी वहाँ काम है ना, आगे होना। मैं नहीं तो मैं आ रहा हूँ ना, आप खड़ी हो, मैं आ रहा हूँ ना। अभी गुलशन से बात की है ना, मैं आना जाना कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं लालू जा रहा हूँ। मैडम बात कर लिए? मैं नहीं नहीं भाई, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं है। आपका कोई वास्ता है इस बात से? नहीं ना, नहीं ना, नहीं है ना। खामोशी से बैठना, उतरो नीचे। भाई मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं तो बैठा हूँ। आप इनसे बात कर रहे हैं ना? इनसे बात कर रहे हैं? खुद ही रिक्शा करके खुद ही निकल लेता फटाफट। तो आप इनसे बात कर रहे हैं? आपसे बात करी कौन है? बैठे आप अपने रिक्शे में क्यों बात कर रहे हैं? तो भाईजान मैं पैसेंजर हूं, मैंने आपसे बात की है? मैंने इनको कुछ बोला है क्या? क्या बोला इन्होंने? कहां जा रही है? अंकल के साथ बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं बैठना, यहां भाई जगह भी नहीं है। उनको पीछे क्यों बिठा रहे? अरे भाई जान आपसे मैं आपको नहीं जानता है कौन है, मैं नहीं जानता। मैं अपने गुलशन इकबाल जा रहा हूँ। क्यों बाहर हूँ? मैं अपने गुलशन इकबाल जा रहा हूँ। अभी मिट्टी के तेल से रिक्शा चला दूँ? क्या मतलब है? हेलो, क्या इसको उतार रहे थे? इसको उतार रहे थे? मेरे सिर क्यों आगे लगा रहे हो? क्यों आगे लगा रहे हो? आपको 300 रुपए दे रहे रिक्शे का किराया, मैं आपको 600 रुपए दे रही हूँ ना। बात खत्म हो गई, इनका दीजिए। मैडम मैंने इनसे बात कर लिया ना, अभी हमारा भाई हम जा रहे हैं ना। और क्या, आ जाओ और क्या, बैठो। आप भी जा सकते हैं भाई ना, मुझे थोड़ी आना है फिर। हाँ मुझे थोड़ी आना है। नहीं तो एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं तो जा रहा हूँ, इनको ये पागल है। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं रिक्शे में बैठ रहा हूँ, ये मेरे पास आगे जबरदस्ती आप रिक्शे को आग लगा रही है। यार आप बताओ ना, मैं आया हूँ, रक्षा रुका है मेरे, मैं इनको जानता हूँ क्या? नहीं जानते आप मुझे, नहीं जानते ना, फौरन से बाहर आ जाओ। आप मेरी बात सुनो, मैं कहाँ जानता हूँ, कहाँ जानता हूँ मैं? हल्के हो जाओ, आवाज नीचे करके मुझसे बात करनी है। मुँह तोड़ दूंगी तुम्हारा, मुँह तोड़ दूंगी तुम्हारा, मुँह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आपने इसका पैसे भरे? अभी आग लगाऊंगी मैं सबको। आपने इसका पैसे भरे? हमने पैसे भरे 2,00,000 रुपया भरे हमने, 2,00,000 रुपया भरे हमने, 2,00,000 रुपया भरे हमने, 2,00,000 भरे हैं ना। अभी आप और ज्यादा देखे, मिट्टी का तेल डाल दिया इसने, जब माचिस वाचिस लग गई तो आग लग जाएगी। आप इसको चलाओ, इसको चलाओ, इसको बढ़ते डालो, इसको बढ़ते डालो। मैं आपका रिक्शा देखो, और क्या, मैं जानता नहीं हूँ। मैं आपका रिक्शा चला दूंगी। नहीं भाई मैं इसी में जाऊंगा, मैं इसी में जाऊंगा। और क्या, ऊपर जाओ। मैं नहीं जा रहा, बात खत्म है, मैं नहीं जा रहा।
क्या करना है मेरे को, आखिर आपसे मैंने बात कर ली है। तो भाई जान जब वो जा रहे तो मैं नहीं जा रहा ना। चलो मेरे गाड़ी से बात कर रहा हूँ, मेरे गाड़ी से बात कर रहा। आप यहाँ पे आओ, रोड पे आओ, रोड पे आपको मुश्किल से जा रहे। यार आप चले ना, यार आप चले ना, मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ ना। हाँ चलो मैं भी बैठ रही हूँ। तो भाई मैं नहीं जा रहा, वरना ये जाएगी तो मैं क्यों जाऊँगा। मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। आगे कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल नीचे नहीं है ना तरीका। आप एक काम करो, हाँ आप इधर आओ, इसको रोड पे जरा खड़ा करके जो करना है करो। रिक्शा को मेरे को आकर गएगा। देखो मेरी बात सुनो, रिक्शा चलने पर खुशी हो रही है ना? क्यों खुशी हो रही है? मुझे अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है। क्यों क्यों? मैं इसलिए ये इसने मैंने इसके ऊपर आग आग लगा के धमकी दी है। हां मिट्टी तेरे से बैठ गए। हां क्यों बैठ गए भाई? क्यों बैठ गए? हां इसको मैं बता दूं, इसको मैंने फेंकवा है। अच्छा मैंने बोला था कि ये आए ना, इसके रिक्शे को आग लगा। अच्छा हां ये मैंने बोला, लेकिन वो कैमरा लगा हुआ हमारा और हाथ हिला देगा। वो कैमरा छुपा हुआ है, शो आता है। अरे रश लग गया, हाथ हिला दो जल्दी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हाथ हिला, हाथ तो हिला दो जल्दी, हाथ हिला दो, हाथ हिला दो, वो हाथ हिला दो सिर्फ यूं, अरे यूं करके यूं। हमारा K21 से शो आता है क्रेजी फोर, और वो देखे गाड़ी के अंदर कैमरा लगा हुआ है, और आपके बच्चे भी देख रहे हैं। अब तो बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बच्चे स्टार बन गए कि हमारे पप्पा टीवी पर आ रहे हैं। हाथ हिला दे। जी तो नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा ये सेगमेंट नंबर 2? आई होप आप तमाम लोगों ने इस सेगमेंट को मेरी तरह खूब एंजॉय किया होगा। दोस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन जब दोस्ती बन जाए जी का जंजाल तो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। किस तरह हमारे एक कैरेक्टर रोकते हैं रिक्शा और वो बैठ जाते हैं कहीं जाने के लिए, इसी बीच हमारे जो दूसरे कैरेक्टर हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि इस रिक्शे से उतरो या फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन जो हमारे पहले कैरेक्टर हैं वो जनाब उतरने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन जो हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं वो उस रिक्शे के ऊपर पेट्रोल डालकर उस रिक्शे को आग लगाने लगते हैं। इसीलिए रिक्शे वाले का बीपी तो हाई ही हो जाता है और रिक्शे वाला हमारे कैरेक्टर्स को मारने भी लगता है। जाहिर सी बात है, कितनी मेहनत से उस बेचारे ने अपना वो रिक्शा बनाया होगा और कोई भी पर्सन आकर उसके रिक्शे को ऐसे ही तोड़ दे, ऐसे ही आग लगा दे। आग लगाना तो खैर दूर की बात, ये सारी बातें हमारे डायरेक्टर साहब सिर्फ आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए प्लान करते रहते हैं। अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट नंबर 3 की तरफ जाने का, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ, सो स्टे विद अस।